खुद में ही सिमटे, खुद में ही उलझे, खुद से ही जूझते, खुद को ही कोसते, बस यूं ही जिंदगी बिता देते हैं हम। कभी कुछ देर ठहर कर खुद से पूछने की जरूरत भी नहीं समझते कि क्या हमारी भी कोई सामाजिक जिम्मेदारी है, या क्या इंसानियत के प्रति भी कोई ऐसा फर्ज है जो हम भूल रहे हैं। लेकिन हम में से भी कुछ लोग हैं जो दूसरों को भी जिंदगी जीते हुए देखने की चाह रखते हैं। यही चाहत वाराणसी में रह रहे 67 साल के पुणे के प्रमोद लक्ष्मण की है। प्रमोद लक्ष्मण अपनी बाइक से पूरे भारत यानी 10,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े हैं। ये 18 राज्यों की यात्रा करें। इनकी चाहत ये है कि ये पूरे भारत को अंगदान के लिए प्रेरित करें और जो भी व्यक्ति जिंदगी और मौत से लड़ रहा है उसे नई जिंदगी दे सके। पुणे से 21 नवंबर को निकला हो, अक्टूबर निकला हो, और मुंबई पुणे से मुंबई, मुंबई से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली करते करते उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आया हूँ। 28 अक्टूबर 2000 साल में मैंने मेरी किडनी मेरे गांव के एक मिलिट्री जवान को दान कर दी है। जिनके पास 1-1.5 लाख रुपए नहीं रहते उनका ऑपरेशन में फ्री करके दिया। आज तक मैंने 4.5 करोड़ रुपए का ऑपरेशन फ्री करके दिया है। सबसे खास बात प्रमोद लक्ष्मण की ये है कि इन्होंने अपनी किडनी बहुत पहले दान कर दी है, लेकिन समाज के लिए कुछ करने की चाहत इस कदर है कि एक किडनी के सहारे भी पूरे जज्बे के साथ भारत भ्रमण कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब हौसला बुलंद हो तो पहाड़ भी मिट्टी का ढेर लगता है। एक उम्र में जब लोग जीने की चाह छोड़ देते हैं, वही प्रमोद लक्ष्मण जैसे लोग सबका हौसला बनते हैं। वाराणसी से ईटीवी भारत के लिए अमित दत्ता की रिपोर्ट।